हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने हार्मोनिक मीन की सीरीज चला रखा है, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक सीरीज का थर्ड लेक्चर। हार्मोनिक सीरीज स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक है, सेंट्रल टेंडेंसी, उसका फोर्थ टाइप है। हार्मोनिक मीन स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक का फोर्थ टाइप है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का हम दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हार्मोनिक मीन के प्रीवियस दो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपसे हम यही कहेंगे, सबसे पहले आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाके स्टैटिस्टिकल सीरीज को ओपन करिए, उसमें हार्मोनिक मीन का लेक्चर फर्स्ट और हार्मोनिक मीन का लेक्चर सेकंड मिल जाएगा। पहले आप उसे वॉच करिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर आप वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन के थर्ड लेक्चर में, केस थर्ड, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज स्टूडेंट वो सीरीज होता है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एच एम फाइंड करने का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा एफ डॉट रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन एन, वेयर कैपिटल एन इज सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, एंड रेसिप्रोकल एक्स मीन्स वन अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, उस नंबर को वन में डिवाइड कर दीजिए, वन से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो उसका रेसिप्रोकल कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम आपको डिस्कस करेंगे कैसे किसी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 7 तक हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में करा दिया है, तो सबसे पहले आप हार्मोनिक मीन के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखिए, वॉच करिए, उसके बाद थर्ड वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ गिवेन डेटा। क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 8, 7, 5। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका प्रॉब्लम। अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, आइए हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम इसमें फाइव कॉलम बनाएंगे, कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे क्लास इंटरवल, सेकेंड में फ्रीक्वेंसी, थर्ड में एक्स, एक्स को बोलते हैं मिड पॉइंट, और फोर्थ कॉलम में रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, एंड फिफ्थ कॉलम में एफ डॉट रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्लास इंटरवल में जो हमारा क्वेश्चन है उसके क्लास इंटरवल को कॉपी करेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, एंड फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है 4, 6, 8, 7, 5। और सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हो गया 30, जो n की वैल्यू होता है। अब हम x फाइंड करेंगे, x को बोलते हैं स्टूडेंट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 20 क्या हो जाएगा 20, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 20 प्लस 40 60 होता है, 60 में 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा। 40 प्लस 60 100 होता है, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। 60 प्लस 80 140 होता है, 140 में 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। 80 प्लस 100 180 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। तो हमारा x आ गया मिड पॉइंट, जिसे बोलते हैं 10, 30, 50, 70, 90। नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट रेसिप्रोकल ऑफ x फाइंड करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, 1/10 फार्मूला होता है 1/x। आप जानते हैं रेसिप्रोकल का फार्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल टू 1/x। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 0.1। 30 का रेसिप्रोकल 1/30, 1 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.03333 आ जाएगा। 50 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/50 होता है, 1 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे इससे डिवाइड कर सकते हैं। 70 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे 1/70 आएगा, 1 में 70 से डिवाइड करेंगे 0.01429 आ जाएगा। 90 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/90 होता है, 1 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 0.01111 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया रेसिप्रोकल। लास्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ऑफ x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 क्या आ जाएगा 0.4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.03333 तो ये आ जाएगा 0.19998, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 तो 0.16 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01429 तो ये आ जाएगा 0.10003, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.01111 दिया जाएगा 0.05555। और हम अब रेसिप्रोकल ऑफ एक्स को ऐड करेंगे,
तो 0.4 प्लस 0.19998 प्लस 0.16 प्लस 0.10003 प्लस 0.05555 सबको ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, तो 0.91556 आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला को। तो फार्मूला आप जानते हो एच एम हार्मोनिक मीन का फार्मूला थर्ड केस का होता है, एच एम इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा एफ डॉट रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन इक्वल टू रेसिप्रोकल ब्रैकेट में सिग्मा एफ रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू आया है 0.91556 आया है, लिखेंगे 0.91556, डिवाइड करेंगे एन से, एन की वैल्यू 30 है तो 30 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हमारी वैल्यू आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ ब्रैकेट में 0.03051866667। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला 1/x होता है, तो 1/ ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपका है 0.03051866667, तो 1 में जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32.766831192। अब देखो इसका थर्ड डिजिट, डेसिमल का थर्ड डिजिट 5 से ग्रेटर है, जब इसे हम राउंड फिगर में करेंगे 2 डेसिमल तक, तो इसे जब इसे हटाएंगे तो ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा 6 में, तो हमारा आ जाएगा एच एम आ जाएगा 32.77, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमें, हम जो है आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं, इसको क्या करना है, जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 8 किया है वैसे ही आपको प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करना है, और इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस किया हार्मोनिक मीन के थर्ड लेक्चर में केस थर्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, और एक प्रॉब्लम लिया प्रॉब्लम नंबर 8 और उसे हमने सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कस किया कि हार्मोनिक मीन किसी भी कंटिन्यूअस सीरीज़ का हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है व्यूज़ को ज़रूर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।